नमस्कार। पिछले सैटरडे हमने द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन इस अमेजिंग बुक के समरी का पहला पार्ट देखा था और आज हम इस बुक का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो पहले हम खाली जेब भरने के साथ इलाजों के बारे में बात करेंगे। जब बेबीलोन का किंग यानी राजा सर्जन लड़ाई जीत के बेबीलोन वापिस आए तो उन्होंने देखा कि पिछले कुछ सालों से इरीगेशन कैनल्स और मंदिरों का काम चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी। अब इरीगेशन कैनल्स और मंदिरों का काम पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूर अब बेरोजगार हो गए थे। साथ ही व्यापारी और किसान अपना माल बेच नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से बेबीलोन की कंडीशन सीरियस होती चली जा रही थी। तो राजा ने प्रधान से पूछा कि हमने जो पैसा बेबीलोन की इंप्रूवमेंट्स के लिए यूज़ किया था वो किसके पास चला गया। तो प्रधान ने जवाब दिया, वो पैसा शहर के कुछ अमीर इंसानों के पास चला गया है। तो राजा ने फिर से प्रधान से सवाल किया कि इतना सारा पैसा इन गिने चुने लोगों के पास ही कैसे इकट्ठा हुआ। तो प्रधान ने जवाब दिया कि उन गिने चुने अमीर लोगों को पता है कि पैसों को कैसे अक्वायर करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे अक्वायर कैसे करते हैं इसके रूल्स पता है, इसलिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। तो राजा ने कहा कि फिर तो सारे लोगों को ये रूल्स सीखने चाहिए। तो प्रधान ने पूछा कि उन्हें सिखाएगा कौन। राजा ने कहा कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वेल्दी है वही हमें इसके बारे में बता सकता है। तो प्रधान ने कहा कि अर्कड इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान है। फिर राजा ने अगले ही दिन अर्कड को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम इतने अमीर कैसे बने। तो अर्कड ने कहा कि जितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी उनका उपयोग करके। राजा ने अर्कड से कहा कि मैं चाहता हूँ कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने, इसलिए हमें यहाँ सभी को वेल्थ कैसे अक्वायर करते हैं इसके बारे में सिखाना चाहिए, और ये काम तुम अच्छे तरीके से कर सकते हो। उस पर अर्कड ने कहा कि मैं खुशी खुशी ये काम कर लूँगा। आप प्रधान से कहकर 100 लोगों का एक क्लास अरेंज करें और मैं उन्हें अपनी खाली जेब को भरने के साथ इलाजों के बारे में बताऊंगा। अर्कड के रिक्वेस्ट के अनुसार 100 लोगों को चुनकर एक हॉल में बिठाया गया और फिर अर्कड उन्हें 7 इलाजों के बारे में सिखाने लगे। पहला इलाज जो अर्कड ने बताया वो ये था कि अपनी एबिलिटी के अनुसार अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने लिए निकाल कर रखो। दूसरा इलाज था अपने एक्सपेंडिचर्स यानी खर्चों को कंट्रोल करो। अर्कड ने सबसे पूछा कि कल किस किस की जेब खाली थी, तो सभी लोगों ने हाथ ऊपर उठाया। तो अर्कड ने कहा कि तुम सब लोग सेम पैसा नहीं कमाते हो, आप में से हर किसी की कमाई अलग अलग है। किसी की फैमिली बहुत छोटी है तो किसी को अपनी बहुत बड़ी फैमिली को सपोर्ट करना है, फिर भी कल सबकी जेब खाली थी। फिर अर्कड ने आगे कहा कि हमारे एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली हमारी इनकम जितने हो जाते हैं, अगर इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। एक्चुअली हम उन एक्सपेंसेस को नेसेसरी एक्सपेंसेस समझते हैं, पर उनमें से ज़्यादातर हमारी डिज़ायर्स होती है। तो जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी डिज़ायर्स भी बढ़ने लगती है, और हमें उन्हें एक लिमिट तक कंट्रोल करना चाहिए। अपने डिज़ायर्स के लिए आप अपने सेविंग को हाथ मत लगाओ, उन्हें आप अपने बाकी बजट में ही एडजस्ट करो। तीसरा इलाज उन्होंने बताया कि अपने सेविंग को मल्टीप्लाई करो। असली वेल्थ आपके पास जो पैसा है उसमें नहीं है, असली वेल्थ आपकी इनकम में होती है जो कंटिन्यूसली आपके पास आती रहती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सेविंग को काम पर लगाओ। चौथा इलाज उन्होंने बताया, अपने पैसों को लॉस से बचाना सीखो। पांचवा इलाज बताया कि अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो घर खरीद लो। छठवा इलाज उन्होंने बताया कि इंश्योर योर फ्यूचर इनकम, अपने आने वाले टाइम के लिए सूटेबल इनकम का प्रिपरेशन करके रखो। अगर आपको वेल्थ अक्वायर करने के रूल्स पता है तो भी आपको अपने फ्यूचर इनकम के लिए कुछ प्रोविजंस रखनी चाहिए। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट इलाज उन्होंने बताया कि अपनी कमाई की एबिलिटी को बढ़ाओ। अपनी कमाई की एबिलिटी बढ़ाने के लिए आपके अंदर वेल्थ अक्वायर करने की स्ट्रांग डिज़ायर होनी चाहिए, और आपकी ये डिज़ायर टेंजिबल डिज़ायर होनी चाहिए, जैसे कि मुझे इतने इतने दिनों में 5 लाख रुपये कमाने हैं, ताकि आप उस डिज़ायर को पूरी कर सको। और उसे पूरा करने के बाद आपको इसी तरह 10 लाख 20 लाख अक्वायर करने के रास्ते मिल जाएंगे। तो एक स्मॉल डिज़ायर पूरी करते करते आपको बड़ी डिज़ायर्स पूरी करने की ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। वेल्थ इसी तरह अक्यूमुलेट की जाती है, शुरुआत छोटे से होती है और फिर वो बड़ी बड़ी होने लगती है। अर्कड ने आगे कहा कि जब मैं लिखने का काम करता था तब मैंने देखा कि कुछ वर्कर्स को उनके सुपीरियर स्किल्स की वजह से मुझसे ज़्यादा पैसा मिलता है। बाद में मैंने अपने काम में इंटरेस्ट लेने के बाद और उसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करने पर मुझे भी उसका फ़ायदा मिलने लगा। तो आप भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए और स्किल्स पर काम करिए, जो आपको बाद में आपका इनकम बढ़ाने में मदद करेगी। इन 7 इलाजों के साथ ही अर्कड एक और चीज़ बताते हैं, वो है कि स्कैमस्टर्स और ट्रिक्स्टर्स से दूर रहिए। जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है
तो कई स्कैमस्टर्स आपको एडवेंचरस कहानियां सुनाकर गेट रिच क्विक स्कीम्स की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो आपको हमेशा प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, और जब आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें कितना रिस्क है इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। तो ये था द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन की समरी का दूसरा पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन मनी मैनेजमेंट पर एक बहुत बेहतरीन बुक है। इस बुक को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।